पंजाब दे इतिहासिक जट जौना मौड़ दा किस्सा पंजाबी फिल्म मौड़ दे रूप विच 9 जून नू दर्शकां दे रूबरू होण जा रहा है। इसी फिल्म दी प्रमोशन दे चलदे फिल्म दी स्टार कास्ट वख-वख शहरां च फिल्म दी प्रमोशन करन पहुंच रहे ने। इसी लड़ी अधीन मौड़ फिल्म दी स्टार कास्ट सुनाम दे थिएटर विच पहुंची तां स्टार कास्ट च आए कलाकारां ने फिल्म दे किरदारां वाली कॉस्ट्यूम पाई हुई जिस नू देख के हर एक दी अख उन्हां ते टिक गई। दस दईए फिल्म च 250 तों ज्यादा कलाकारां ने कम किया है। स्टार कास्ट ने सिने प्लाजा च दर्शकां नूं फिल्म बारे दस्या ते फिल्म देखन आउण दी अपील भी कीती। जिक्रयोग है कि इस कहानी ते पहला भी 2 बार फिल्म बन चुकी है। इस बार फिल्म नूं नवीं दिशा दे के परिवारिक फिल्म बनाउण दी कोशिश कीती गई। यही कहना चाहवांगी कि मौड़ मूवी तो साढ़े पंजाबी सिनेमा नूं एक बहुत ही ज़्यादा वधिया ग्रोथ मिलेगी क्योंकि ये मूवी अपने आप च ही बहुत वड्डी मूवी है। इहदे विच VFX यूज़ होया है, इहदे विच सैट तुसीं देखोगे जब मूवी देखण जाओगे बहुत ज़्यादा वड्डे लैवल दे सैट बनाए गए हैं और देख के तुहानूं लगेगा ही नहीं कि वो सैट है, बहुत ओरिजिनैलिटी है। और जो हिस्ट्री वाइज भी मैं कहां कि जतिंदर मौड़ सर जिहड़े जिन्हां ने डायरेक्ट की है उन्होंने प्रॉपर 6 ईयर्स इस पर पूरी रिसर्च की है ता जाके ये मूवी अज बनी है और तुहानूं बहुत वधिया लगेगा देख के। लोगों को यह स्नेहा देगी कि जौना मौड़ असली च है कौन सी, वो महानायक आपां कह सकते कि ही वॉज़ अ हीरो जो कि गरीबों की बहुत मदद करते सी। एंड पेरेंट्स को दरखास्त है प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर लेके जायो क्योंकि ये बच्चों को पता लगेगा कि जौना मौड़ असली च है कौन सी। फिल्म बनी मेरे ख्याल 30 साल हो चले ने, 32 साल हो चले ने। ये वो अपने दौर की बड़ी कमाल की फिल्म सी। ये कुछ होर अमेंडमेंट्स करके कुछ नवी टेक्नोलॉजी के नाल ये फिल्म बनी है। मतलब 1885 का दौर है जिहड़ा असल दौर से जूने मौड़ के टाइम का, किशने मौड़ के टाइम का, ये उस दौर में विखाया गया। VFX के इस लैवल की फिल्म पंजाब कभी बनी नहीं हूँ तक जिन्ना बड़ा VFX यूनिट है। सो तुम वेखोगे सिनेमा के फिर समझ लगे। मेरा अतरे का करैक्टर है, अतरे का किरदार तो उही है जी, कहानी उही है। जो कहानी उही है तो 1910 के पहली किताब छपी सी जो मैनू पता लगा 1910 पहली किताब छपी सी उस तो सोर्स लैके जेडे करैक्टर उस वेले नाल सीगे वो 8-10 साल की रिसर्च तो बाद ये फिल्म की एक स्क्रिप्ट रेडी हुई है। ये 250 तो लैके 300 के करीब कलाकारा ने काम किया जो ऑफिशियली बाय नेम वर्क कर रहे हैं, जेडे सपोर्टिंग खड़े ने वो तो पुछो इन्हें हज़ारा ही ने। बट करैक्टर मैं प्ले कर रहे हैं जी जिन्हों महाराणी UK ब्रिटेन महाराणी ने हिंदुस्तान भेजा हों बी बंदे की खासियत यह भी ये बंदे लभ के हंटर है बेसिकली बंदे लभदा तो उन्होंने चाहे सज़ा देनी है चाहे एनकाउंटर करना है चाहे कुछ है तो इनू पंजाब पुलिस का साथ दे के आ जिहड़े मौड़ परिवार है तो जिहड़ा इन्हां दे सारे वीर भरा ने सारे डाकू बागी ने इन्हां नू ठल पाउणी एक आइडल ने कि जिवें इन्हां ने कहा कि वह किवें एक आम इंसान तो एक किवें उस डाके मारने शुरू किए या क्यों बनया और वो भी कितों लुट के माल तो किन्हां दे गरीबां तक पहुँचाता हूँ जिन्होंने असं रॉबिनहुड कहने पंजाब का। सो अपने आप से कोई किरदार बहुत वड्डा है और साडी फिल्म जिहड़ी मौड़ हैगी है इस रिलेटिड टू द रूट्स यानी जो चीज़ रूट्स ना जुड़ी होवे ना वो हमेशा अच्छी होंगी है और ये हिस्टरी है। और साढ़े डायरेक्टर जिहड़े जतिंदर मौड़ ने उन्होंने बहुत सर्च करके ये फिल्म बनाई है जो हिस्टरी ने एग्जैक्टली जो चीज़ा सी जिवें दस्या कि 2010 दे विच पहली बुक छपी सी उहदे आधार दे उत्ते उस तो इलावा भी साढ़े जिहड़े डायरेक्टर सी इंग्लैंड गए उतो जाके उन्होंने जिहड़ियां पुरानियां किताबां पढ़िया हर चीज़ दे उत्ते सर्च करके इस फिल्म दे उत्ते बनाया कि कहड़ा कहड़ा किरदार किस तरह का होंदा सी की उहदी सोच है किस तरह पहरावा सी उन्हां दा सारे दा जिस तरह तो साडियां तुसीं ड्रेसिस देख रहे हो। सो इस तरह का एक नायक सी साडे पंजाब दा तो मैं चाहवांगा कि साढ़े सारे पंजाबियों देशों विदेशों से बैठे की अपील हैगी है कि जाके ये मौड़ फिल्म देखो अपने परिवार के नाल देखने जाओ कि तलो इकली नहीं है कि बंदूकों पिस्तौलों घोड़े भज रहे हैं लेकिन परिवार के नाल क्योंकि जीवने उन्होंने एक फैमिली भी सी उन्होंने भैन सी उन्हों की माँ से उन्होंने फादर से। सो उन्होंने नाल आपस की इमोशनल हों कि जो एक आम बच्चा जो डाकू बनता या कुछ इस तरह के काम कर लग जाता है तो वह माँ बाप के उत्ते की गुजरती है तो इस करके वो जो एमी जी ने पढ़ा भी था और 2 फिल्में पहले भी आ चुकी हैं तो वो भी मैंने देखी है तो मैं बहुत अच्छे से बहुत बखूबी तरीके से इनके बारे में जानती थी और मुझे लगता है कि फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए है ना। हुक्मरान कहानी है किशना मौड़ ते जूना मौड़ उहदे नाल दे कई साथी उहदे राइट लैफ्ट जिहड़े करैक्टर रहे जिन्हां ने उहनां दी जिंदगी नूं वध तों बदतर बनाया ते किद्दां ओह बाकी बणे
ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਮੌੜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌੜ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੌੜ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌੜ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੌੜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਤੋਂ ਡਬਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੌੜ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੌੜ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਮੌੜ 9 ਜੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਰਿਚਾ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਹਾਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਕ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌੜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 25 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।